अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बाइनांस से कैसे यूएसडीटी को टीआरएक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने बाइनांस अकाउंट की तरफ। मैंने ये बाइनांस अकाउंट ओपन किया, तो आपने अपने यूएसडीटी को कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपने मोड पर क्लिक करना है। जैसे आप मोड पर क्लिक करेंगे तो आपने स्क्रोल डाउन करके नीचे आ जाना है। उसके अलावा आपने कन्वर्ट के बटन पर क्लिक करना है। जब कन्वर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यूएसडीटी को टीआरएक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने टीआरएक्स को एलडीटी ऐप के साथ बाइंड करना है। एलडीटी ऐप के साथ बाइंड करने के लिए मुझे 25 से 30 टीआरएक्स कॉइन होना बहुत जरूरी है। वो इसके लिए इसलिए जरूरी है कि मैं अपना एलडीटी ऐप को ट्रॉन लिंक के साथ अटैच कर सकूं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर 2 यूएसडीटी लिखा है, मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए नीचे टीआरएक्स लिखा है, तो मैं प्रयू कन्वर्जेशन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 2 यूएसडीटी का 30 टीआरएक्स कॉइन मिलते हैं। उसके बाद आपने कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ वेट कर लेना है। जो आप देख सकते हैं कन्वर्जेशन सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद आपने दोबारा अपनी ऐप पर जाना है। तो मैं सबसे पहले अपनी ट्रॉन लिंक की ऐप ओपन करता हूँ। ये मैंने ट्रॉन लिंक की ऐप ओपन की, तो आप देख सकते हैं तो जो सा मैंने कॉइन यहाँ से रिसीव करना है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। मैंने टी आर एक्स कॉइन रिसीव करना है, तो इसलिए मैं टी आर एक्स कॉइन पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने यहाँ ट्रॉन लिंक पर रिसीव करने हैं कॉइन, तो मैं इसलिए रिसीव के बटन पर क्लिक करूँगा। इसलिए मैं रिसीव के बटन पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ रिसीव करने हैं। जैसे ही मैं रिसीव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एड्रेस आ जाएगा। आपने ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप एड्रेस कॉपी करेंगे तो आपने दोबारा अपने बाइनांस के अकाउंट पर जाना है। जब मैं अपने बाइनांस के अकाउंट में आता हूँ तो आपने सबसे पहले वैलेट में जाना है। जैसे ही आप वैलेट में जाएंगे उसके बाद आपने स्पोर्ट पर जाना है। जैसे ही आप स्पोर्ट पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास यूएसडीटी कितने हैं और टीआरएक्स कॉइन कितने हैं। तो मैं टीआरएक्स कॉइन मेरे पास 30 हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने इसको अपने ट्रॉन लिंक में लेकर जाना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं विड्रॉ के बटन पर क्लिक करूंगा। और उसके बाद आपने सेंड व्यू क्रिप्टो नेटवर्क सबसे ऊपर एड्रेस आएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ये मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं जो एड्रेस मैंने वहाँ कॉपी किया था ट्रॉन लिंक से, मैं यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। नीचे बात ये याद रखनी है फ्रेंड, यहाँ हम ट्रॉन TRC20 पर काम करते हैं, तो इसलिए TRC20 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपसे नीचे पूछेगा कि आपने कितनी अमाउंट लगानी है। मैं मैक्स कर देता हूँ, मैक्स करूँगा जितने मेरे कॉइन हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। देख सकते हैं 30 हैं, लेकिन वो एक कॉइन अपनी फीस डिडक्ट कर रहा है। 29 कॉइन मेरे विड्रॉ हो जाएंगे। उसके बाद मैं विड्रॉ के बटन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं आपने उसके बाद कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे यहां आपने थोड़ा वेट कर लेना है, क्योंकि सिक्योरिटी वेरिफिकेशन वो आपकी करता है। जैसे आपकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका विड्रॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर प्रोसेसिंग मेरी हो रही है। 29.1 कुछ कॉइन मेरे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं दोबारा अपनी ट्रॉन लिंक की ऐप पर जाता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप आपके सामने कि मेरे ये कॉइन TRX कॉइन आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे TRX कॉइन आ गए हैं। तो इस तरह आपने सबसे पहले इस तरह आपने वहाँ से बाइनांस से अपने TRX कॉइन लेकर आने हैं ट्रॉन लिंक में। जैसे ही आप ट्रॉन लिंक में लेकर आ जाएंगे उसके बाद अब आपने अपने अकाउंट को बाइंड करना है, एलडीटी ऐप को बाइंड करना है। मैं अपने एलडीटी ऐप को ओपन करता हूं, तो जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाइंड नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके ऊपर आप बाइंड TRC वैलेट
पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ आपसे एड्रेस मांग रहा है ट्रोन लिंक का। मैं ट्रोन लिंक को जाकर ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ट्रोन लिंक को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर ये एड्रेस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस एड्रेस को कॉपी करूँगा तो मैं दोबारा अपने LDT ऐप में वापस जाऊँगा। जैसे ही मैं आ गया तो आप देख सकते हैं मैंने वो एड्रेस जो कॉपी किया था मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद एंटर एड्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर एड्रेस करता हूं तो कंफर्म बाइंडिंग का ऑप्शन आएगा, तो मैं कंफर्म बाइंडिंग पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप कंफर्म बाइंड पर क्लिक करेंगे तो आपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर नोट सर्टिफाइड, आपने इसको सर्टिफाइड करना है। आपने होम पर जाकर ये वेब 3 पर जाना है तो ऊपर आप देखें नोट सर्टिफाइड, यहाँ आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। आपने ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप ये एड्रेस कॉपी करेंगे तो उसके बाद आपने अपने ट्रोन लिंक में दोबारा वापस जाना है। तो मैं अपने ट्रोन लिंक को दोबारा ओपन करता हूं, उसके बाद आपने नंबर 3 एक्सप्लोर पर जाना है और आपने यहां आकर जो लिंक कॉपी किया था वो यहां आकर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसको सर्च कर देना है। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूं और सर्च करता हूं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने अप्रूव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे तो आपकी LDT ऐप यहाँ खुलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा वेब 3 पर जाना है। वेब 3 पर जाने के बाद आप देख सकते हैं नोट सर्टिफाइड अभी भी शो हो रहा है। आपने दोबारा इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने गो टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं गो टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने वैलिड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूं तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आने कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है, जो भी पासवर्ड आपने रखा होगा ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने डन कर देना है। जैसे ही आप डन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये सर्टिफाइड हो जाएगा। अब दोबारा आपने वेब 3 पर जाना है। वेब 3 पर जाकर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर सर्टिफाइड हो गया है, मेरा LDT अकाउंट ट्रोन लिंक के साथ बाइंड हो गया है। अब आपने सेंड करने हैं कोई भी अमाउंट तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ ये अमाउंट सेंड करना चाहता हूँ 1000, तो सेंड पर क्लिक करूँगा। यहाँ मैं 1000 लिखूँगा, जितना भी आपने सेंड करना है। उसके बाद आपने नीचे पासवर्ड लगाना है जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा। मैं यहाँ पासवर्ड लगाता हूँ, उसके बाद मैं सेंड के बटन पर क्लिक करूँगा, मेरी अमाउंट ट्रोन लिंक में सेंड हो जाएगी। उसके बाद आपने विड्रॉ पे भी क्लिक कर देना है। याद रखना जब आपने ये कर लेना है, जब आपने विड्रॉ करना है तो ये देख सकते हैं कि मेरी अमाउंट विड्रॉ हो गई है। पहले आपने LDT ऐप को बाइंड करना है, उसके बाद आपने विड्रॉ लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जल्द से जल्द आपका विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब भी आपने बाइंड करना है तो आपने लाजमी TRX क्वाइन 25 से 30 आपके पास होने लाजमी हैं, जो आपने बाइनांस से परचेज करके यहाँ अपने ट्रोन लिंक में लेकर आने हैं। और आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो मेरा ऊपर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा LDT ऐप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसे आप जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप हज़ारों डॉलर अर्न कर सकते हैं। ये न्यू ऐप है तो इसलिए आप इसको लाजमी ज्वाइन करें और इससे बेनिफिट उठाएं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।